तो देखो कि अब कंचन से सिमट करके केवल उस पत्थरों की चार दीवारी में राम चले गए, जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों के अब राम बचेंगे, अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैर खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। यही न हुआ, ये हमें हैं। एक तारीख से अब राम होंगे, अब बाकी अब तक क्या थे। भारत की भूमि मानी जाती थी राममय है, कृष्णमय है, अब सब खत्म होगा। भारत के राम भारत की कण कण में रहेंगे, हमारे शेषवानों का राम जहाँ जा बैठे। भारत राम का नहीं रहेगा, केवल एक मंदिर राम का रहेगा, पत्थरों के बीच में वो रहेंगे, अब लोगों के हृदय के बीच में नहीं रहेंगे। हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि तो लोग सवाल का वह हम जवाब का देंगे। तो भाजपा राम के सहारे 2024 चुनाव में बैतरणी नदी पार करेंगे। राम को कभी भी भारत से लोगों के हृदय से छीन करके पत्थर के आलीशान भवन में नहीं कैद किया जा सकता, नहीं कहिए। न अयोध्या में राम कैद हुए, न रावण को हराने के बाद लंका में रावण का वास हुआ। राम का तो असली वास शिवरी की झोपड़ी में हुआ और वहीं पर है, और हम लोग हे राम वाले हैं। जय श्री राम।